गाइस इमेजिन करिए आप एक यूट्यूबर हो और आपका नीश जो है वो है बाइक और आपको फोन आता है बजाज की तरफ से कि मेरे को एक बाइक का शूट करना है और मेरे को बाइक 3 दिन के लिए मिलने वाली है। सो कैसा होगा? एकदम एक्साइटिंग होगा ना? आइए देखते मजा आएगा। सेम मेरे साथ भी वैसा ही हो गया है और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ। और ये देखिए, बजाज ने मेरे को 3 दिन के लिए पल्सर N160 दी है ताकि मैं इसके ऊपर अच्छा सा रिव्यू और अच्छा सा एक वीडियो बना सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू पटनी बजाज जिन्होंने मेरे को ये गाड़ी दी रिव्यू के लिए। आपको अगर कोई भी डील चाहिए रहेगी बजाज की तो आप पटनी से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनकी सारी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कोई बाइक खरीदनी होगी तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, आपकी टेस्ट राइड वगैरह जो कुछ है वो आपको सब करा के देंगे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। थोड़ा लोकेशन में चेंज हो गया है, वहाँ पे है ना बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी रोड के बीच में, इसलिए तो 164 सीसी का इसका इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 15.68 पीएस की पावर और 14.65 एनएम का टॉर्क। 120 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। 14 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है। मैंने एक दिन गाड़ी चलाई है, तकरीबन 100 किलोमीटर हो गए आज को पकड़ के। चलने में गाड़ी बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज्यादा रिफाइंड फील होता है। एग्जॉस्ट नोट में आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है, बहुत ही बेसी सा साउंड है इसका। आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिल जाता है, इसमें ही आपको हाई बीम लो बीम दोनों ही मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका डे रनिंग लाइट दैट इज DRL व्हाइट कलर की इसके LEDs है और बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन करता है। रात के समय में आप अंधेरे में जाओगे ना, ऑफ रोड चले जाओ या फिर हाईवे पे चले जाओ तो बहुत तगड़ा इसका प्रोजेक्शन है। मडगार्ड जो है एकदम अलग सा बनाया है, बहुत कॉमन हो गया है वो, अभी नॉर्मल सी डिजाइन है यहाँ से आगे आता है। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में मिलेंगे जो कि एक है मैट में और एक है ग्लॉस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टिकरिंग कितनी सही लग रही है, ये ग्रे कलर व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा निखर के आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आप ग्रिमेका के ब्रेक्स कैलिपर्स मिल जाएंगे आपको और ड्यूअल चैनल ABS इस बाइक में मिलेगा। अलॉय व्हील्स आप देख सकते हो, ऐसी कुछ डिजाइन है इसकी, बाइक के हिसाब से बहुत बड़ी डिस्क दी गई है। रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं बोथ द साइड, USD फोक्स डाल सकते थे लेकिन इसमें नॉर्मल ही है। 100x80 17 इंच का टायर मिल जाता है फ्रंट में और MRF के टायर्स मिल जाएंगे आपको, देख सकते हो ऐसी कुछ डिजाइन है। ग्रिप की बात करूं और ब्रेकिंग की बात करूं तो मैं 100% श्योर हूं कि इस बाइक की बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, परफॉर्मेंस वाइज मेरे को बहुत तगड़ी लगी। TTSI ट्विन स्पार्क आपका इंजन मिल जाता है, मैंने सारे फिगर्स बता दिए इंजन कैसा प्रोड्यूस करता है। हॉर्न मिल जाता है, वो लेग गार्ड मिल जाएगा, वो ग्रे ग्लॉस पल्सर का 3D एम्बलम बना हुआ है, ग्रे कलर की स्टिकरिंग करी गई है पूरे टैंक के ऊपर और ये ब्लैक कलर की टैंक है इसकी। ट्राई कलर कितना सही लग रहा है, ग्रे व्हाइट एंड रेड और ब्लैक कलर। यहाँ पे फेक वेंट्स मिल जाएगा, ये वर्किंग नहीं है। इंजन जो है इसका ऑयल्ड एंड एयर कूल्ड मिल जाएगा और यहाँ पे अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाएगा, रेयर ब्रेक ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ पे। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है बाइक की। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मैट में मिल जाएगा और यहाँ पे ग्लॉस में N160 लिखा हुआ है। 130x70 17 इंचेस का पीछे का टायर मिलेगा, डिस्क मिल जाएगी ABS के साथ ऑब्वियसली, टायर हगर मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो पटनी। बिग थैंक्स उनका क्योंकि उन्होंने मेरे को सामने से कॉल करके ये बाइक दी रिव्यू के लिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक कंपनी जो अभी मेरे को प्रोवाइड कर रही है, पहले मेरे को जाना पड़ता था, अभी आगे से कॉल आ रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आप समझ सकते हो ना, 2 साल काम करने के बाद यूट्यूब में आज मुझे ऐसा लगता है कि यार सब कुछ वर्थ है, तो काम करते रहो यार। और बाकी आप देख सकते हो टेल लाइट आपकी ऐसी कुछ मिलेगी। बता देता हूँ कि टेल लाइट और ब्रेक लाइट किससे बोलते हैं ना, तो ये जो लाइट चालू रहता है ना इसको हम टेल लाइट बोलते हैं। और अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसे हम ब्रेक लाइट बोलते हैं। तो टेल लाइट और ब्रेक लाइट अलग अलग होते हैं, मेरे को स्प्लेंडर जब ली मैंने तब पता चला कि दो अलग अलग पार्ट। इंडिकेटर्स देख सकते हो आप, बजाज ने इसमें हैलोजन इंडिकेटर्स डाले हुए हैं। ग्रैब रेस देख सकते हो आप कितने सही लग रहे हैं एकदम, ये काफी अच्छा लुक आ रहा है। सारी गार्ड मिल जाएगा जो कि पूरा ही ब्लैक कलर में है, चैन कवर भी मिल जाएगा, फुट पैग्स मिल जाएगा पिलियन के लिए, आपको इसमें मोनो शॉक मिलने वाला है। सस्पेंशन भी काफी अच्छे है, यहाँ से आपकी जो है सीट खुल जाएगी, तो आप देख सकते हो फुल ऐसा वेलवेट जैसा फिनिश में इसका सीट है। पल्सर लिखा हुआ है, ब्रांडिंग करी गई है पल्सर की, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मैं इतना मतलब 50 किलोमीटर चला के लाया हूँ गाड़ी और मुझे बिल्कुल कुछ भी इशू इसमें नहीं लगा। तो मिडल स्टैंड मिल जाता है, ये काफी अच्छा किया बजाज ने क्योंकि किस किस गाड़ियों के लिए पेडॉक्स लगा। 5-speed ट्रांसमिशन मिल जाएगा, सामने से मुझे काफी हद तक सिमिलर लगती है MT15 यामाहा की, तो बस इसकी लाइट थोड़ी ऐसा स्ट्रेट में आती है और इसकी ऊपर जाती है।
कितना सही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पे आपको मोड की बटन मिल जाएगी, यहाँ पे सिलेक्ट की बटन मिल जाएगी, आरपीएम मीटर मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका ओडोमीटर आ जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 394 किलोमीटर अभी तक की गाड़ी चली है। नीचे में आपको टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेशन शो हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे टर्न सिग्नल्स के लाइट ब्लिंक करते हुए, एबीएस की लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का एक इंडिकेटर भी मिल जाएगा कि आपका साइड स्टैंड नीचे है। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैंने क्लच दबाया और मैं अभी गियर डालूंगा तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर फीचर इसमें मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप बैटरी का दिखा देगा, यहाँ पे आपको फ्यूल का दिखा देगा और यहाँ पे आपका इंजन लाइट आएगा अगर कुछ इंजन में प्रॉब्लम आती है तो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाड़ी की टैंक जो है वो ऑलमोस्ट फुल थी और बजाज ने मेरे को जब गाड़ी दी तो ऑलमोस्ट फुल मतलब एक डंडी सिर्फ नीचे थी, तो बहुत सारा पेट्रोल था गाड़ी में। बाकी आप देख सकते हो ऐसी कुछ गाड़ी है। और यहाँ पे ब्लूटूथ का आपको फंक्शन नहीं मिलता है, आई डोंट नो व्हाई, छोटा सा फंक्शन डाल दिया रहता तो और मजा आता था इस बाइक में। गाइस आपको गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना। और गाड़ी का जो है टेस्ट राइड का एक और एक वीडियो आएगा तो मैं इसके बाद वो वीडियो शूट करने वाला हूँ। सो टेस्ट राइड का वीडियो इसके बाद आएगा। मैं हल्का फुल्का आपको गाड़ी का साउंड सुना देता हूँ और थोड़ा सा आपको गाड़ी चलते हुए कैसे दिखती है उसके आपने सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे या फिर आगे देखोगे। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ एक बार, ये हो चुके न्यूट्रल। तो गाड़ी का साउंड है ना काफ़ी बेसी सा साउंड आता है और बहुत अच्छा साउंड है। ये देखिए एग्जॉस्ट भी कितना प्यारा लग रहा है। That's it guys. Hope you guys like the video. If you like the video, क्या करना है आपको? Like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में. Take care, bye bye. And I love you all सभी का. और सभी के वजह से ये possible हो रहा है कि सामने से फोन आ रहा है वो बहुत बड़ी बात है और ये सब आप लोगों के कारण possible हुआ है। हमारे अभी 1500 subscribers कुछ हो जाएंगे. So thank you so much आपका बहुत बहुत दिल से. And आप ऐसे ही support करते रहिए, मैं आपके लिए ऐसी गाड़ियाँ लाता रहूँगा. मिलते हैं guys अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. And I love you all and thank you so much for all your support and love. And guys stay tuned for test ride वाला video, उसमें मैं आपको गाड़ी कैसी चलती है और गाड़ी का क्या सब performance है वो live बताऊंगा। Video के लिए wait करिएगा, एक अच्छा सा video आएगा। और अगर आपने Instagram पे follow नहीं किया होगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा Instagram page, आप जाके follow कर लीजिए। And बस that's it guys, और stay tuned for test ride वाला video.